हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 9, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फूड प्रोडक्शन को अगर हम एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजीज, क्या मेथड्स और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं फूड की, तो बेसिकली दो सोर्सेज है जहाँ से हमें फूड मिलता है, वन इज़ प्लांट्स एंड अनदर इज एनिमल। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि एनिमल से फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए हमें उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, और प्लांट से भी अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो करवानी है तो उसके लिए हम क्या मेथड्स डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो अभी कुछ न्यू टेक्निक्स भी इसमें ऐड हुई है, जैसे ईटी मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, इसके अलावा ब्रीडिंग टेक्निक्स जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। मतलब ये सारे टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जिनको हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपके कैटल एनिमल्स, पोल्ट्री या फिशेज आती हैं। तो जब आप उस लाइव स्टॉक को ब्रीड करते हो, ब्रीड मींस कि उनकी और ज्यादा जनरेशंस बनाने के लिए उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाते हो, या आप उनको रेज करते हो, उनको पालते हो, तो उस प्रैक्टिस को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। और एनिमल हस्बेंड्री में वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी हम केयर और ब्रीडिंग की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम बफेलो, काओ, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट्स, उन सारे एनिमल्स की बात करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। और अब हम धीरे धीरे इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं फिशरीज की, तो फिशरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फिशरीज को ही रेयर करोगे, मतलब पालोगे, पकड़ोगे या बेचोगे। फिशेज के साथ साथ जो मोलस्क है, मोलस्क मतलब ऐसे आप कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन उनकी बॉडी के बाहर एक शेल प्रेजेंट होती है जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जैसे आपने ऑयस्टर देखा होगा, पाइला देखा होगा। और इसके अलावा इसमें आते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा की एक कैटेगरी है, मतलब वैसे तो ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इनका भी मेन फीचर यही है कि ये जनरली पानी के आसपास सी वगैरह में पाए जाते हैं, और इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक हार्ड शेल होती है, या इनकी जो ऊपर वाली परत है वो सख्त होती है, जैसे प्रॉन्स है, क्रैब्स मतलब केकड़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत सालों से पालते आ रहे हैं, जिसमें कि बीज, मधुमक्खी, सिल्क वर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिशीज, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शीप, मैमल्स, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपने पर्पस के लिए, इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, तो कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें एग मिल रहा है, किसी से मीट मिलता है, किसी से वूल, किसी से सिल्क, किसी से हनी। तो इन द शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो उन सब एनिमल्स को जब हम पालते हैं, उनको रेज करते हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, देन दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनमें वर्ल्ड की 70% तक लाइव स्टॉक पॉपुलेशन प्रेजेंट है, बट इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड को फार्म प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने में, वो सिर्फ 25% है। यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब जो हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत, जो सदियों से तरीके चलते आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा सुधार करके हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे शुरू करनी पड़ेंगी, ताकि हम इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बढ़ा सके और क्वांटिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चों कि आप फार्म और फार्म एनिमल्स को मैनेज कैसे करोगे। फार्म और फार्म एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिसको आप अपने फार्म में पाल सकते हो, और उसको पालने के लिए आप उन एनिमल्स का किस तरीके से ध्यान रख सकते हो, और जिस जगह पे आप उनको रख रहे हो आप उस जगह को कैसे मेंटेन कर सकते हो। अगर आपकी वो जगह प्रॉपर होगी, उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होगी, तभी वो एनिमल आपको बेनिफिट दे पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट।
डेयरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में घूमेगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज है, कर्ड है, मलाई है, बटर है, ये सब चीजें आती है। तो डेयरिंग का मतलब होता है उन एनिमल्स को मैनेज करना जिनसे हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है, जो आपको डेयरी में मिल सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन सी एनिमल्स हैं जो डेयरी में पाले जाते हैं। बेसिकली बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं, शीप होती हैं, गोट होती है, ज्यादातर यही वो एनिमल्स हैं जिनके दूध से हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, मतलब जिस जगह पे आप उनको रख रहे हो, जो आपका फार्म हाउस है, जब आप उसको मैनेज करोगे तो वहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं, मतलब हमें किस तरीके से मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से तरीके या कौन कौन से नए प्रोसेसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दूध कैसा मिलेगा, मिल्क की क्या यील्ड होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके फार्म में ब्रीड की क्वालिटी कैसी है, मतलब कि आपको दूध कितना मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि जो भी गाय या भैंस है वो कौन सी ब्रीड की है, कौन सी नस्ल की है। आपने सुना होगा कुछ गाय या भैंसों की नस्लें ऐसी हैं जिनमें दूध की पैदावार ज्यादा होती है तो कुछ में कम होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर लेते हो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ की हम बात कर रहे हैं वो वहां पे ज्यादा दूध दे रही है, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। और ये नहीं कि सिर्फ आपकी गाय या भैंस जो दूध ज्यादा दे रही है, दूसरी चीज ये भी है कि वो डिजीज के भी रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी जल्दी वो बीमार ना हो। क्योंकि जनरली बच्चों क्या देखा जाता है कि अगर हम अपने इंडियन और फॉरेन ब्रीड्स को कंपेयर करते हैं तो जो हमारी भारतीय नस्लें हैं उनकी जो पैदावार है वो फॉरेन की नस्लों से कम होती है, बट उनकी जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा है, मतलब पैदावार तो कम है लेकिन बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे यहाँ के जानवरों में ज्यादा होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है दैट इज मोर स्ट्रांग। बट अगर आप बात करते हो फॉरेन ब्रीड्स की तो इनकी इम्यूनिटी वीक है बट उनकी जो दूध देने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे अगर कोई काओ या बफेलो एक दिन में 8 से 12 लीटर दूध दे रही है तो वो गाय भैंसे जो है 25 से 30 लीटर दूध भी दे देती हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दोनों क्वालिटीज चाहिए, हमें हाई प्रोडक्टिविटी के साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंट पावर भी चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है सबसे पहले तो हाउस्ड वेल, जिस जगह पे आप उनको रख रहे हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां पे पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, वहां पे किसी भी तरह के जर्म्स ना हो, साफ सफाई हो, यानी कि बीमारियां ना हो। इसके अलावा जो आप उनको खाना खिला रहे हो वो भी एक साइंटिफिक तरीके से खिलाओ, ये नहीं कि जो मिला बस उनको खिला दिया। जो भी आप खाना खिला रहे हो, जो भी आप उनको फोडर मतलब चारा दे रहे हो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी हो। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना है आपको, हाइजीन का ध्यान रखना है। और हाइजीन में यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि जिस जगह पे आप उसको रख रहे हो, आपके जो भी कैटल एनिमल है, जो गाय भैंस है, उसको भी आपको टाइम टू टाइम नहलाना है, उसके अंदर कोई डिजीज ना हो उसके लिए उसका बार बार चेकअप करवाना है। और इसके अलावा जो हैंडलर है, मतलब जो व्यक्ति उसका दूध वगैरह निकाल रहा है, उसको भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, तभी आप उसको एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर पाओगे। इसके अलावा जब हम उसके मिल्क को स्टोर करते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, उसमें भी हमें साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखना है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो दूध से बनी चीजें वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं अगर आप उनको प्रॉपरली प्रॉपर टेम्परेचर या प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो। वैसे तो आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर जो प्रोसेसेस है वो मैकेनाइज्ड हो गए हैं। मैकेनाइज्ड मतलब कि बहुत सारा काम है जो मशीनों से होने लग गया, जिसकी वजह से जो है हमारे हाथ कम लगते हैं, तो इसलिए गंदगी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब टाइम टू टाइम बीच बीच में चेक करते रहते हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि कब हमने लास्ट टाइम उनके वहां पे फ्यूमिगेशन करवाया था, कब स्प्रे करवाया था, कब उनका वैक्सीनेशन हुआ था, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें जैसी कोई प्रॉब्लम दिखेगी हम उसी टाइम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और साथ ही साथ हमें बीच बीच में वेटनरी डॉक्टर को भी बुलाते रहना चाहिए ताकि वो चेक करे कि आपकी जो कैटल है उसको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो है बेटा पोल्ट्री फार्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पोल्ट्री जो है मेनली बर्ड्स के लिए यूज होता है। बर्ड्स में आप जब आप बर्ड्स का नाम सुनते हो जनरली हम यही सोचते हैं चिकन,
जिसको हम मतलब मीट पर्पज से यूज करते हैं, या एग्स, बट इसके अंदर टिपिकली चिकन और डक्स नहीं आती, कई बार इसमें टर्की, गीज, मतलब सिर्फ हम अपने देश की बात नहीं करते, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चिकन और डक्स के अलावा टर्की, गीज और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिन्हें मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे डेयरी फार्मिंग में जरूरी होता है कि जो आप उसका एटमोसफेयर ले रहे हो या जो भी नस्ल आप सिलेक्ट करें उसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, सिमिलरली इन केस ऑफ पोल्ट्री फार्म भी हमें डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड चाहिए। जिस जगह पर आप उसको रखोगे उसकी प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए, टाइम टाइम पे उसको प्रॉपर फीड और वाटर दिया जाए, हाइजीनिक एनवायरमेंट दिया जाए और साथ ही साथ हेल्थ केयर मतलब टाइम टू टाइम उनका चेकअप भी होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कुछ साल पहले एक बर्ड फ्लू वायरस के बारे में काफी ज्यादा हुआ था। बेसिकली इसमें जो चंडीगढ़ में एक सुखना लेक है वहां पे क्या होता है, बोटिंग वेयर होती है, वहां पे एक बहुत बड़ी झील है, तो वहां पे बहुत सारी डक्स पाई जाती थी और उन डक्स में ये बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा पाया गया था। तो उस बर्ड फ्लू वायरस से बचने के लिए क्या किया गया था, उन सब डक्स को किल कर दिया गया था। तो जनरली ऐसे ही होता है क्योंकि अगर इन बर्ड्स के अंदर कोई किसी टाइप का कोई वायरस है तो इन्हीं बर्ड्स को जब कोई ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर भी वो वायरस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो जनरली यही देखा जाता है कि जो अफेक्टेड चिकन होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो इस तरीके से बर्ड फ्लू को स्प्रेड को रोका जाता है। लेकिन ये फ्लू की जो प्रोबेबिलिटी है वो तभी बढ़ती है जब उनकी पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई ना हो। अगर हम उसमें साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल ब्रीडिंग, उसके बारे में बेटा हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।